नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मकर लगन व वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कम्बिनेशन मकर लगन व वृश्चिक राशि है। सबसे पहले हम समझें कि मकर लगन व वृश्चिक राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 10 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मकर लगन है। और एकादश भाव में 8 नंबर में चंद्रमा बैठा है, इसका अर्थ है आपकी वृश्चिक राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मकर लगन व वृश्चिक राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम चार बड़े ग्रहों की बात करें तो मकर लगन में शनि महाराज कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जहाँ के लिए पॉजिटिव है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में होंगे और मई 2025 से वे पंचम में आ जाएंगे जहाँ से वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और केतु जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा से शनि चौथे चल रहे हैं जिसके कारण वृश्चिक राशि पर चल रही है शनि की ढैया। राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति छठे होंगे और मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आ जाएंगे जहाँ का शुभ फल देते हैं और केतु लाभ भाव में। तो अब हम देखते हैं कि मकर लगन व वृश्चिक राशि का जो कम्बिनेशन है इसके लिए वर्ष 2024 में बढ़िया समय कौन सा निकल कर आया है जब आपके लिए कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। तो वो बढ़िया समय शुरू होता है आपका 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में, जब आप कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए वर्ष 2024 में आपको कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आप जॉब बदलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वर्तमान जगह पर जॉब नहीं मिल रही तो आप उसके लिए दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने ट्रांसफर का प्रयास करना चाहते हैं, या चाहते हैं ऑफिस में आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए, या आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास समय है मई से दिसंबर। ये वो समय है जब आपकी कई चीजों की इच्छा पूर्ति होगी। इस वर्ष आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका विवाह तय होने की संभावना है, क्योंकि वृश्चिक राशि से तो गुरु सप्तम भाव में आई जाएंगी। और साथ ही जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम भाव पे गुरु का गोचर हो रहा है। साथ ही पंचम भाव में गुरु का गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ संकेत है। अगर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इससे बेहतर समय नहीं मिलेगा जब गुरु उनके पंचम में गोचर करेंगे। तो ये वर्ष जो है आपका एक महत्वपूर्ण समय है। पर याद रखिए वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए बढ़िया जाए तो मैं आपसे चाहूंगी कि वृश्चिक राशि की शनि की ढैया के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें। शनि की ढैया के लिए एक तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और छायादान करें, एक स्टील की कटोरी लें, उसमें या तो सरसों का तेल डालें या तिल का तेल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, उस पर अपनी छाया देखें और उसको शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ा दें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 में आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, आपको लगता है वो काम तो मेरा इस वर्ष होना ही चाहिए, तो आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। वो चोला या तो आप 8 मंगलवार चढ़ा सकते हैं या 8 शनिवार चढ़ा सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए जो आपको सुटेबल लगता है, या तो 8 मंगलवार चढ़ाइए या 8 शनिवार। आपको शनि महाराज के मंदिर में 5 मोतीचूर के लड्डू, चांदी का बरक, सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाना है, पुजारी से चोला वगैरह चढ़वा के अपने सामने, और उसके बाद उस चोले का सिंदूर को अपने माथे पे लगाना है, कुछ सिंदूर कागज में रख के घर में लाना है और परिवार के सभी सदस्यों के माथे पे लगाना है जिससे सबका मानसिक परेशानी दूर हो, सबका मन अच्छा रहे। तो ये शुभ समय है आपके लिए मई से दिसंबर तक, जब आपके लिए कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं। अगर आप वर्ष 2024 में कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपका मानस प्रॉपर्टी खरीदने का है तो इस समय गुरु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी आपके पास 30 अप्रैल तक समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करें वर्ष का वो समय जब हमें सावधानी रखनी है, वो समय आता है जनवरी से 30 अप्रैल। इसमें सबसे पहली बात कि मैं आपसे कहूंगी, आप मकर लगन व वृश्चिक राशि के जातक हैं, वर्ष 2024 में आपको अगर जॉब बदलनी है तो जनवरी से अप्रैल के बीच में मत बदलिए। जॉब बदलने के लिए मई से दिसंबर का समय सही है। तो जॉब ना बदलें और व्यापार में जोखिम लेने से बचें। व्यापार में कुछ भी काम करें तो उसका जोखिम लेने से बचें। और ये वर्ष माता पिता के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की चिंता दिखा रहा है। और मकर लगन व वृश्चिक राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, समय समय पर चेकअप कराएं। और इसके साथ साथ इस वर्ष आपकी इनकम होने के साथ साथ आपके खर्चे अधिक होंगे जिसके कारण आपको सेविंग करने में प्रॉब्लम होगी।
और इसके साथ साथ मकर लग्न के लग्नेश बनते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज 30 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं। तो 30 जून से लेकर नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब शनि महाराज वक्री होंगे, लग्नेश के वक्री होने का अर्थ है पुरानी बीमारी का निकल के आना, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो केतु है, केतु की दृष्टि मकर लग्न से आपके लग्न पर रहेगी, तो केतु जब लग्न को दृष्टि देता है तो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बनाता है, गुस्सा आपका ज्यादा हो जाता है, क्रोध आपको जल्दी आता है, तो केतु की कोई ना कोई रेमेडी करिए। केतु की रेमेडी तो एक बहुत बढ़िया ये है कि आप चाहें तो आप कहीं भी नीम का पेड़ लगवा सकते हैं, कम से कम 2 नीम के पेड़ लगवा दीजिए, वो केतु की रेमेडी हो जाएगी। या आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर में कमल का दान कर सकते हैं। और अगर आप युवावस्था में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, और आप अपने दोस्तों के संग घूमते फिरते हैं, तो आप उन्हें अपने पैसों से नहीं चाट पकौड़ी बल्ले पापड़ी वगैरह खिलाइए, वो भी केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा राहु की रेमेडी के रूप में आप, क्योंकि राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि से, जिससे कई बार विद्यार्थियों को हो सकता है कि पंडे में उनका ध्यान हटे, तो पंडे में अगर उनका ध्यान हटता है तो राहु की रेमेडी के तौर पे वो बुधवार और शनिवार को बहते पानी में कोले प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंसारी की दुकान से जाकर 11 जो है हरसिंगार के बीज भी ला सकते हैं, और वो हरसिंगार के बीज ला के उसको एक थैली में बांध के वो आपने तखिए में रख लीजिए गुरुवार के दिन, और वो हरसिंगार के बीज आपके तखिए में रहेंगे। आप रात को सोइए उसी तखिए के ऊपर सर रख के, आप देखेंगे जब उस तखिए के ऊपर सर रख के सोएंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि हरसिंगार में हनुमान जी का वास माना जाता है। कोशिश करिएगा जिस तखिए पे हरसिंगार के बीज हैं उसमें आप पैर ना रखें। तो मेरा यह मानना है अगर आप मकर लग्न में वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 58% तक बढ़िया जाने वाला है। बहुत अच्छी परसेंटेज है जो दिखा रही है कि वर्ष में आपके काम बनने की संभावना बहुत अधिक है, और आपकी दशाएं बहुत अच्छी हुई, जैसे शनि की, बुध की या शुक्र की दशा चल रही होगी तो ये परसेंटेज 60 से 62 भी जा सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मकर लग्न में वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2024 58% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।